हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ मैक्लोडगंज सीरीज। आज सुबह जल्दी उठ के आपके लिए हमने ये ब्यूटीफुल सा सनराइज का टाइम लैप्स बनाया है। एंजॉय। फ्रेंड्स, सुबह उठ के यहाँ सभी घरों में हमें यहाँ के लोकल लोग प्रेयर्स करते हुए दिखे अपने अपने घरों में। बहुत ही प्योर एटमॉस्फेयर है यहाँ का और बहुत ही शुद्धता है यहाँ की हवा में। तो आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि पहले हम जाएंगे भक्सुनाग वाटरफॉल्स और वहाँ से फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है और उसके बाद आगे की आइटनरी प्लान करेंगे। भक्सुनाग जाने के लिए आप भक्सुनाग कार पार्किंग तक तो गाड़ी से आ सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह की मार्केट देखने को मिलती है और वहीं से आपकी हाइकिंग शुरू हो जाती है। ये हाइकिंग लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है एक साइड की, तो आगे चल के देखते हैं उसे भी। फिलहाल हम इस मार्केट में हैं और यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मोस्टली फेंगशुई का सामान, शो पीसेस, शॉल वगैरह पड़े हुए हैं। ये सब आप चाहें तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मार्केट के बाद अब हम एंटर हो रहे हैं भक्सुनाग वाटरफॉल्स के गेट में और इस तरह से ये कुछ गेट बना हुआ है यहाँ पे, किसी की मेमोरी में है ये शायद। और यहाँ लिखा है मंदिर क्षेत्र में शराब पीकर आना मना है। ये देखिए आगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें एक मंदिर दिख रहा है, चलिए देखते हैं। फिलहाल हम मंदिर तो नहीं जा रहे हैं अभी मंदिर के, लेकिन आगे देखिए ये हनुमान जी की मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है यहाँ पे। और ये शायद भक्सुनाग वाटरफॉल्स का ही पानी आ रहा है यहाँ पे। कितने सुंदर फिशेस के मुंह बनाए हुए हैं और ये यहाँ पे पॉन्ड टाइप बना हुआ है जिसके अंदर सारा पानी कलेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से रास्ता जाता है वाटरफॉल्स का और यहाँ पे सूट वगैरह की कुछ दुकानें हैं जहाँ लेडीज शॉपिंग भी कर रही हैं। तो हमें तो अभी करनी नहीं है शॉपिंग, तो हम आगे चलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस एरिया से बाहर निकलते ही सीनरी ही चेंज हो गई है। ये पूरा शायद पानी के आने का रास्ता बना हुआ है और वो दूर देखिए, वो रही भक्सुनाग वाटरफॉल्स, वहां जाना है हमें हाइक करके। यहाँ से देखने से तो काफी दूर लगती है, बट चलिए चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए जो ठंडा पानी आ रहा है वाटरफॉल का, उसको एक जगह पे कलेक्ट करके कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा किया जा रहा है। और ये है एडवेंचर कैफे, बहुत ही चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स है हमने पी के देखी यहाँ से। तो चलिए चलते हैं आगे। ये सब यहाँ पे सिल्वर रॉक्स हैं जो धूप पड़ने पे अलग ही चमक रहे हैं। कैमरे में तो आपको नहीं दिख रहा होगा। और लीजिए पहुंच गए हम वाटरफॉल्स तक। रास्ता इतना मुश्किल भी नहीं है, कई जगहों पे स्टीप चढ़ाई है, वहां पर अगर आप चाहें तो रुक रुक के चढ़ सकते हैं। और ये देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर साफ पानी है यहाँ का, कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू है। ये वाटरफॉल का पानी ही नीचे जा रहा है और इसी को पीने में भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स नीचे। ये सभी लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए। तो फॉल्स पे कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम नीचे एक मैगी पॉइंट पे आ गए हैं मैगी खाने। और यहाँ पे ये देखिए बादलों का टाइम लैप्स, रियलिटी में तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वापस आ गए हैं उसी मार्केट वाले एरिया में, तो आपको थोड़ा सा क्लोजअप से दिखा देते हैं क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको ले चलते हैं धर्मकोट। धर्मकोट मैक्लोडगंज से 20 से 25 मिनट की दूरी पे एक बहुत ही सुंदर जगह है।
फ्रेंड्स, धर्म कोट से त्रियुंड की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और त्रियुंड के बेस कैंप तक आप लोग अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहां से टैक्सी लेके भी जा सकते हैं। धर्मकोट से त्रियुंड बेस कैंप तक के रास्ते कुछ इस तरह के हैं। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है और आपके पास एक ऊंची गाड़ी है तो आप इजीली वहां तक लेके अपनी गाड़ी को जा सकते हैं। इन रास्तों के व्यूज तो फ्रेंड्स अल्टीमेट हैं, बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ आना तो बनता ही है एक बार। फ्रेंड्स, हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी तो हम लोगों ने इस रास्ते पर पैदल जाने का ही फाइनल किया। फ्रेंड्स, ये व्यू देख रहे हैं आप, पूरे बादल इस टाइम नीचे आ चुके हैं और ये चारों तरफ हमारे जंगल ही जंगल है और यहाँ पर हम पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, त्रियुंड बेस कैंप पे ऐसा दिखाने वाला कुछ भी नहीं है। वहां पे सिर्फ एक बेस है जहाँ पे आप लोग बाय कार कलेक्ट हो सकते हैं और वहां से त्रियुंड की ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। त्रियुंड की ट्रैकिंग को काफी मुश्किल माना जाता है तो उसको करने के लिए आप पहले पूरी प्रिपरेशन करके आए। यहाँ पे पूरा मजा इन रस्तों का ही है तो मैं इन्हीं रस्तों को आपको दिखा रहा हूँ ज्यादा। चलिए फटाफट ले चलते हैं आपको वापस अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये वो पॉइंट है फ्रेंड्स जहां तक हम अपनी गाड़ी ले आए थे और फिर कंफ्यूज हो गए थे कि इसके आगे गाड़ी लेके जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो अब यहां से निकलते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लीजिए, अब हम आ गए हैं चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द विल्डरनेस। ये नॉर्थ इंडिया का एक सबसे पुराना चर्च है जिसको 1852 में बनवाया गया था। आइए आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है चर्च आपको बाहर से। ये चर्च चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। इस चर्च की खिड़कियां बेल्जियन स्टेन्ड ग्लास से बनी हैं, जो कि लेडी एल्गिन ने डोनेट की थी। फ्रेंड्स, ये ग्रेव है जेम्स ब्रूस की, जो कि गवर्नर जनरल और वाइजरी ऑफ इंडिया बने 1861 में ब्रिटिश राज के दौरान, और उनकी डेथ हो गई धर्मशाला में 20 नवंबर 1863 को और उनको इसी जगह पे दफना दिया गया था। अब हम आ गए हैं टोटा रानी विलेज में जहां पे ये डल लेक है। ये चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है और कुछ सीजन्स में यहाँ पे बोटिंग भी कराई जाती है। इस लेक के चारों तरफ घूमने के लिए पाथ भी बनाया गया है। बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का। ये बादल देवदार के पेड़ों के ऊपर एक तरह से छत बना के बैठे हैं। डल लेक से 15 मिनट की ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं नड्डी। नड्डी फेमस है फ्रेंड्स अपने सनसेट के लिए और मुझे लगता है कि हम बिल्कुल टाइम पर पहुंचे हैं नड्डी, क्योंकि सनसेट का ही टाइम हो चुका है। तो आप एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स ये सनसेट जो हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। फ्रेंड्स, ये था हमारा 3 दिन का मैक्लोडगंज और अनंतपुर साहिब का ट्रिप। मैक्लोडगंज जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और फ्रेंड्स, एक और बात, जाते समय ये टनल दिखाना आपको रह गया था,
जो कि बहुत ही सुंदर है। छोटी सी टनल है, लेकिन देखिए किस तरह से पहाड़ों को काट के इस टनल को बनाया गया है और इसमें पूरी जगह से पानी टपक रहा है ऊपर से। चलिए अब चलते हैं वापस अपनी घर की तरफ और बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए एक और वीडियो एक नई डेस्टिनेशन के साथ, और कोशिश करेंगे कि वहाँ की भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए।